हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी पीडीएफ का पासवर्ड किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं, या फिर किसी भी पीडीएफ का जो पासवर्ड होता है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी एक फ़ोटो है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी पीडीएफ को किस तरह से आप एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक वीडियो में ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा पीडीएफ से रिलेटेड। बड़ा छोटा वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम है निशा आर्यन और आप देख रहे हैं टिक फॉर टैक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम सीधे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन आपको अब सामने दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो आपके प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है आई लव पीडीएफ। तो आपको यहाँ से सीधा अपना एक प्ले स्टोर खोल लेना है और यहाँ पे नीचे सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे क्लिक करना है और ऊपर आपको यहाँ पे सर्च करना है आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ लिख के आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में जो सॉफ्टवेयर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में आ रहा है एडोब का, वो उसके बाद सेकंड पे आपका मिल जाता है आई लव पीडीएफ। आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ये लगभग 100 MB का ऐप है, तो आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में समय लग रहा था, इसलिए मैंने इसे पहले इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं यहाँ से भी इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ की आपको एक अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। आप इसे यहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप यहाँ से बैक कर लेंगे। अब जैसे बैक करेंगे तो ये आपको सीधा इस तरह का इसका जो होम इंटरफेस है वहाँ पे लेके चला आएगा। तो आपको यहाँ पे सीधा इसका टूल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। मिडिल में आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। लाइक सबसे पहले मर्ज पीडीएफ का, अगर आपके पास 2-3 PDF है तो उसे आप मर्ज कर सकते हैं। और एक ही पीडीएफ में 2-3 अगर आपके पास पेज है और उसको सेपरेट एक पेज निकालना चाहते हो, उसके लिए आप स्प्लिट पीडीएफ में क्लिक कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ का साइज़ ज़्यादा है तो उसे भी आप कम कर सकते हैं। इसी के अंदर कॉम्प्रेस पीडीएफ का ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा पीडीएफ टू वर्ड पीडीएफ, इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन वो इसमें है। आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ की तो आपको एक अनलॉक पीडीएफ के नाम से दिख रहा होगा, जो कि तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको कहाँ पर आपका वो रखा हुआ है उसे आपको वो आपको पता होना चाहिए, जहाँ से आपको उठाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इंटरनल स्टोरेज में चल जाता हूँ, जहाँ की तो मेरा पीडीएफ में रखा हुआ होगा। और मैं डाउनलोड्स में जाकर देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड किया हुआ होगा वो पीडीएफ। तो मैं यहाँ से देख के उसके बाद इसे अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक आधार कार्ड का पीडीएफ है, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसे आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको ये गेटिंग रेडी अपलोडिंग किस तरह से होता हुआ दिखेगा, तो इससे अपलोडिंग होने देंगे थोड़ी देर। जब लोड ले लेगा तो इसमें आपको पासवर्ड जो है इसका जो उसे आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो भी पासवर्ड उस पीडीएफ का है उसे यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ से जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उसके अंदर आपका पीडीएफ में जो है वो पासवर्ड लगा हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो पासवर्ड डाल के आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होगा 100% होने के बाद। गो टू फाइल पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से। आप जैसे गो टू फाइल पर क्लिक करेंगे, आपको पासवर्ड का जो पीडीएफ था वो आपको पीडीएफ वापस से आपको मिल जाएगा, जिसमें कि तो अब पासवर्ड लगा हुआ नहीं होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा पीडीएफ जो है ये ओपन हो चुका है, जो कि तो अब पासवर्ड का जरूरत नहीं है, ये डाउनलोड हो गया है मेरे फोल्डर में। तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड पे जाके दिखा देता हूँ कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो मैं अपने फाइल में आ चुका हूँ। फाइल में आने के बाद आप मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ। स्टोरेज में ऊपर में आप देख सकते हैं फोल्डर बन चुका है एल पीडीएफ का। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसेस में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले वही पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि तो आप पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे पीडीएफ ओपन हो रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ किसी भी पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं या उसका पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताएं। उसके ऊपर उसे मैं कोई एक वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपको अगर बता कर उसे सोल्यूशन दे सकता हूँ तो वो भी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।